हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप लोग का केदारनाथ बाबा का धाम में आप लोग का स्वागत करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने अपने ज़िंदगी में स्वस्थ और मस्त होंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग आगे बढ़ते रहे। मैं आप लोगों के लिए यही दुआ मांगूंगा बाबा के पास कि आप लोग के परिवार में सुख शांति दे और सही सलामत रहे और हरा भरा जीवन दे। आप लोग केदारनाथ जाए तो खच्चर पे मत बैठो, क्योंकि वो बेजुबान है, वो बोल नहीं सकता है जानवर। हर साल कितने खच्चर मर जाते हैं, इसके लिए आप लोग हेलीकॉप्टर में जाए तो अच्छा रहेगा, प्लीज। हाँ, और एक बात कि आप लोग पैदल चल के जाओगे तो आप लोग के ऊपर भोलेनाथ प्रसन्न होगा, ये जरूर मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। आप लोग चल के जाओ, भोलेनाथ भी प्रसन्न होगा, आप लोग का परिवार में सुख शांति समृद्धि सब कुछ देगा। पैदल जाना ही है तो गौरीकुंड से 22 किलोमीटर है दोस्तों, ज़्यादा दूर नहीं है। 22 किलोमीटर यानी 12-13 घंटे का रास्ता है। खच्चर पे जाओगे तो 4 घंटा कम होता है, दूसरा कुछ नहीं होता है। लेकिन खच्चर को क्या है, खाना बना कुछ नहीं मिलता है। तो उसको दिन में तीन बार राउंड मरवाते हैं, तो क्या खच्चर बोल नहीं सकता है, तो बेजुबान है, तो वो मर ही जाता है। अच्छा अच्छा आप लोग पैदल जाओ, नहीं तो फिर हेलीकॉप्टर में जाओ, वही अच्छा रहेगा। तभी तो भोलेनाथ प्रसन्न होता है ना, जब पैदल चल के जाते हैं तो उसको पता चलता है कि नहीं, मेरा भक्त आया है पैदल चल के, तो तभी तो वो खुश होते हैं और प्रसन्न होकर आप लोग के जीवन में सुख शांति सब कुछ देते हैं। दोस्तों, आप लोग को ये दोस्तों वीडियो पसंद आया तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं यूट्यूब पर नया हूँ। प्लीज़ सपोर्ट करना भाई।